आपके साथ। डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली बैलगाड़ी यात्रा, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जताया विरोध। पूर्णिया के बाईसी में जिला किसान कांग्रेस द्वारा इस यात्रा को निकाला गया, जिसमें कांग्रेसी नेता बैलगाड़ी चलाकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध करते नजर आए। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस संयोजक एम ए जिन्ना और किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आरिफ आलम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई इस रैली के बारे में बताया गया कि रैली सरकार के विरोध में निकाला गया है। आज डीजल पेट्रोल के बढ़ते कीमत से किसान अपने आप को निसहाय महसूस कर रहे हैं। किसानों की कमर टूट चुकी है, खासकर बिहार में किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। किसान को अपनी फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रहा है। किसान अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों में देश आज 70 साल पीछे चला गया है। अब यहाँ के किसानों को ट्रैक्टर चलाकर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। ये यात्रा फटकी पेट्रोल पंप से बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ बाईसी पहुंची। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। बैलगाड़ी यात्रा कहां से कहां तक चलेगी? फटकी चौक से बाईसी तक। बाईसी तक चलेगा। और हम लोग का पास तेल नहीं है, जो हम लोग जो है चले, इसलिए बैलगाड़ी से हम लोग चल रहे हैं। और यहां का जनता, बाईसी का जनता विधानसभा में जितने भी जनता परेशान है कि वो तेल लेकर के गाड़ी लेकर चले। तेल का अभी तो सीजन, धान रोपने का भी सीजन है, रेट तो इतना बढ़ गया ना। धान का सीजन है, तेल कहीं से पैसा नहीं है जो खरीद करके वो खेती करेगा। क्या मकसद है रैली का? हमारा उद्देश्य यही है कि गरीबों का और किसानों का जो खून सूख रही है ये दमन सरकार, इस सरकार को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। क्योंकि अभी इस समय बहुत किसान बहुत परेशान है। हर गरीब किसान को इसने कहा कि हम इतना पैसा देंगे उतना दें, खाली ये बेईमानी करती है, अनाउंसमेंट करती है, लेकिन देगा कुछ भी नहीं है ये। तो हम ऐसे सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और इसके विरुद्ध में बड़ा से बड़ा आंदोलन अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। और किसान कांग्रेस के सभी जन हम लोग सरकार के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। और आज जिस तरह से हम लोगों ने बैलगाड़ी के माध्यम से निकाला है इस जुलूस को, इस धरना प्रदर्शन को, तो आप जान लीजिए कि हमारे किसान के पास पैसा नहीं है कि वो अपना ट्रैक्टर चला सके, खेती कर सके। अब ये किसान 70 साल पीछे लेके चली गई है इस देश को। जो पहले लोग अपने बैलगाड़ी पर चलाया करते थे, बैलगाड़ी से खेती करते थे, उस स्थिति में पहुंचा दिया। न्यू भारत को, न्यू टेक्नोलॉजी को इसने ख़त्म कर दिया और गरीबों का खून चूस चूस कर इस किसान मजदूर को बर्बाद कर दिया। हम ऐसी सरकार को रहने नहीं देंगे। इसके लिए मुझे सड़क उतर रहे हैं और सारे कांग्रेसी और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ये जब तक सरकार रहेगी हम लोग ये कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। ये धरना कहाँ से कहाँ तक चलेगी सर? ये अभी परेशानी हो रही है, सब कोई धान रोकना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया हुआ है और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और बहुत सारे लोग अभी मतलब लॉकडाउन के कारण से प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कारण से भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, तो बहुत परेशानी हो रही है। यात्रा आप लोगों का कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये फटकी चौक से बाईसी पश्चिम चौक तक। हेलो। अच्छा, और क्या संदेश देंगे आप इससे? अभी जो डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ा है इसी वजह से हम लोग बैलगाड़ी पर सवार हो गए हैं और जब तक तेल नहीं घटेगा हम लोग बैलगाड़ी का ही सवारी करेंगे। आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। इस समस्या कब से चल रहा है, डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ? लगभग कम से कम 3 महीने। अभी तो सीजन भी है ना, धान रोपने का है और फिर किसानों का जो है बाढ़ पी देता है और जो है बिचरा भी उसका वो सारा वो तो चला गया क्षति में। और जो है मकई का कीमत भी सही रेट में नहीं मिला, वो भी मैं जो इसमें है। और किसानों का कर्ज से मर रहा है, इसलिए किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। निकाले हैं किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए। और ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, ऊपर से जो है क्षति हो रहा है, फसल की क्षति हो रहा है। और जो ऋण लिए हैं उनको माफ़ किया जाए और बाकी जो मुआवजा जो बर्बाद हुआ है फसल उसका सही मुआवजा दिया जाए। इनके लिए हमने रैली निकाला है नीतीश सरकार के। मक्का का सही हाँ मक्के का सही मुआवजा जो